हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे यहाँ धुलाई अभियान चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा कपड़ा धुला गया है। ये भाई साहब आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, 10:30 बजे उठ गए थे। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिवाली ऐसे सुखाई जा रही है, ढेर सारी दिवाली बनाई गई है। गाइस, आज दही और जलेबी का नाश्ता किया जाएगा। जलेबी खाने के बाद आज हम बाल कटवाएंगे। बाल कटवाने के बाद आज हमको गांव जाना है। और गांव भाई साहब देख रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। आज लोग देख रहे हैं अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। और अब हम निकलते हैं गांव के लिए। और ये हमारे यहाँ का पमरौली एयरपोर्ट का इलाका है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम गांव आ गए हैं और गांव की मार्केट आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती है मार्केट। और काफ़ी स्पेस होने के कारण भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, भीड़ भाड़ होता है और गांव के लोग मिलते हैं। वाइब गांव वाली होने लगती है। दोस्तों, गांव आने के बाद ही हमको छोटा सा खरगोश मिलता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और ऐसे बहुत से खरगोश थे यहाँ पे, लेकिन किस लोगों को दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बड़े खरगोश, उनको अलग रखा गया है, क्योंकि ये छोटे खरगोशों को दाब देते हैं। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अभी धूप नहीं निकली है सही से। सो गाइस, आज रात में बहुत ज़्यादा लेट सोए हैं। लेट क्या, लगभग 2 बजे के करीब सोया हूँ मैं, और अभी ऑटोमेटिकली नींद मेरी खुल गई। और इसका रीज़न ये चीज़ मैं अभी देखा कि शहर में क्या होता है, गांव में क्या होता है। आप शहर में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सो जाओगे, पता नहीं चलेगा टाइम का। लेकिन गाँव में जैसे ही सुबह होती है, आप लोग चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे होंगे और जानवरों की आवाज़, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो अलग ही है। वो आपको एहसास दिला देता है कि सुबह हो गई भाई, उठ जाओ। तो अच्छा लग रहा है गांव में, वाइब अच्छी आ रही है। तो गाइस, अभी चलते हैं, बच्चों को छोड़ना है स्कूल। सो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यहाँ खरगोश चारा खा रहा है अपना। बहुत प्यारे प्यारे खरगोश हैं यहाँ। कैसी हो भैंस जी, ठीक हो? तो गाइस, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये हमको मारने आ रही थी। इसको पता नहीं कि हम यहाँ के रिश्तेदार हैं। जान जाओ भाई, हम रिश्तेदार हैं। अपना अपना बाय बाय। सो गाइस, इधर आप लोग देख रहे हैं, ये बाजरे की खेती है। और ये दादी बाजरा काट रही है। इधर भी देख रहे हैं आप लोग, बाजरा का खेती है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं धान वगैरह कटने लगा है अब। और ये ट्यूबवेल है जिससे पानी की सिंचाई करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं। और ये है गांव की रोड।
और गाइस ये जो धान कटा हुआ है ये मशीन से कटा हुआ है, मशीन का कटा हुआ धान। और ये धान कटने के बाद इस खेत की जुताई भी हो गई है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मिर्चे की खेती है। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं आज दिवाली की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और ये दिवाली है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौवा बहुत ज़्यादा है और एक कौवा इधर भी बैठा हुआ है बाउंड्री पे। शहरों में कौवा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं पपीते का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है और यहाँ भी पपीता लगा हुआ है। और ये है केले का पेड़, आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है केले का पेड़। पेड़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ केले का फल है और ये नींबू का पेड़ है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें नींबू का फल है भी है, कितना छोटा सा पेड़ है लेकिन नींबू का फल है इसमें। और ये जो पेड़ सामने है ये पेड़ है किस चीज़ का पेड़ है आप लोग गेस करके बताइए। सो गाइस घर में पर्दा लग रहा है, दीपावली की तैयारी चल रही है, सफाई हो गई है और अब पर्दा आज लगेगा। पर्दा लगाने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, आप लोग अपने से अपना पर्दा लगा सकते हैं, मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव की यही सब स्किल है। तो गाइस इसकी जो ये रॉड है ना एकदम घिस गई है तो इस वजह से छेद नहीं कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं पूरी ताकत में लगा रहा हूं अपनी मशीन के साथ। तो दूसरी रॉड लानी पड़ेगी उसके बाद ये होगा। तो मार्केट अभी जाएंगे तो लेके आएंगे, फिर उसके बाद इसको छेदेंगे, पर्दा लगाएंगे, बहुत काम है आज तो। सो गाइस अभी वो खराब हो गई थी तो एक दिमाग लगाया गया कि आरसीसी वाली कील है और इसको हथौड़े से थोड़ा सा ड्रिल करते हैं, ड्रिल का मतलब थोड़ा सा छेद करते हैं इससे, उसके बाद ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होता है। गांव का देसी हथौड़ा है तो छेद हो जाए। गाइस हो नहीं रहा है क्योंकि मशीन हीट होने लगी है, अब रॉड भी हीट हो गई है। ये होगा नहीं, लाना ही पड़ेगा उसके बाद होगा, ऐसा नहीं होगा। सो सैड। दांत दिखाओ, तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक है, दांत दिखाओ, सही दिखाओ, दांत दांत दिखाओ, दिखा 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 दिखा, दिखा। दांत दिखाओ। सो गाइस हमें एक काम आया है, ये आप लोग देख रहे हैं सब धान रखे हुए हैं और इन धान की 5 बोरी को एक झाल में एडजस्ट करना है, उसके बाद ये बोरी को खाली करनी है क्योंकि ये भी खेत में कुछ काम है। अब काम क्या वो बाजू तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।